प्रेरणादायक कहानियां, एकलव्य की गुरु भक्ति। आचार्य द्रोण राजकुमारों को धनुर्विद्या की विधिवत शिक्षा प्रदान करने लगे। उन राजकुमारों में अर्जुन के अत्यंत प्रतिभावान तथा गुरु भक्त होने के कारण वे द्रोणाचार्य के प्रिय शिष्य थे। द्रोणाचार्य का अपने पुत्र अश्वत्थामा पर भी विशेष अनुराग था, इसलिए धनुर्विद्या में वे भी सभी राजकुमारों में अग्रणी थे, किंतु अर्जुन अश्वत्थामा से भी अधिक प्रतिभावान थे। एक रात्रि को गुरु के आश्रम में जब सभी शिष्य भोजन कर रहे थे, तभी अकस्मात हवा के झोंके से दीपक बुझ गया। अर्जुन ने देखा अंधकार हो जाने पर भी भोजन की कौर को हाथ मुंह तक ले जाता है। इस घटना से उन्हें ये समझ में आया, निशाना लगाने के लिए प्रकाश से अधिक अभ्यास की आवश्यकता है, और वे रात्रि के अंधकार में निशाना लगाने का अभ्यास करना आरम्भ कर दिया। गुरु द्रोण उनके इस प्रकार के अभ्यास से अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने अर्जुन को धनुर्विद्या के साथ ही साथ गदा, तोमर, तलवार आदि शस्त्रों के प्रयोग में निपुण कर दिया। उन्हीं दिनों हिरण्यधनु नामक निषाद का पुत्र एकलव्य भी धनुर्विद्या सीखने के उद्देश्य से द्रोणाचार्य के आश्रम में आया, किंतु निम्न वर्ण का होने के कारण द्रोणाचार्य ने उसे अपना शिष्य बनाना स्वीकार नहीं किया। निराश होकर एकलव्य वन में चला गया। उसने द्रोणाचार्य की एक मूर्ति बनाई और उस मूर्ति को गुरु मानकर धनुर्विद्या का अभ्यास करने लगा। एकाग्रचित से साधना करते हुए अल्पकाल में ही वह धनुर्विद्या में अत्यंत निपुण हो गया। एक दिन सारे राजकुमार गुरु द्रोण के साथ आखिर के लिए उसी वन में गए, जहां पर एकलव्य आश्रम बनाकर धनुर्विद्या का अभ्यास कर रहा था। राजकुमारों का कुत्ता भटक कर एकलव्य के आश्रम में जा पहुंचा। एकलव्य को देखकर वह भौंकने लगा। इससे क्रोधित होकर एकलव्य ने उस कुत्ते पर अपना बाण चला चलाकर उसके मुंह को बाणों से भर दिया। एकलव्य ने इस कौशल से बाण चलाए थे कि कुत्ते को किसी प्रकार की चोट नहीं लगी, किंतु बाणों से बिंद जाने के कारण उसका भौंकना बंद हो गया। कुत्ते के लौटने पर जब अर्जुन ने धनुर्विद्या के उस कौशल को देखा, तो वे द्रोणाचार्य से बोले, हे गुरुदेव, इस कुत्ते के मुंह में जिस कौशल से बाण चलाए गए हैं, उससे तो प्रतीत होता है कि यहाँ पर कोई मुझसे भी बड़ा धनुर्धर रहता है। अपने सभी शिष्यों को लेकर द्रोणाचार्य एकलव्य के पास पहुंचे और पूछे, हे वत्स, क्या ये बाण तुम्ही ने चलाए हैं? एकलव्य के स्वीकार करने पर उन्होंने पुनः प्रश्न किया, तुम्हें धनुर्विद्या की शिक्षा देने वाले कौन हैं? एकलव्य ने उत्तर दिया, गुरुदेव, मैंने तो आपको ही गुरु स्वीकार करके धनुर्विद्या सीखी है। इतना कहकर उसने द्रोणाचार्य की उनकी मूर्ति के समक्ष ले जाकर खड़ा कर दिया। द्रोणाचार्य नहीं चाहते थे कि कोई अर्जुन से बड़ा धनुर्धारी बन पाए। वे एकलव्य से बोले, यदि मैं तुम्हारा गुरु हूँ तो तुम्हें मुझको गुरु दक्षिणा देनी होगी। एकलव्य बोला, गुरुदेव, गुरु दक्षिणा के रूप में आप जो भी मांगेंगे मैं देने के लिए तैयार हूँ। इस पर द्रोणाचार्य ने एकलव्य से गुरु दक्षिणा के रूप में उसके दाहिने हाथ के अंगूठे की मांग की। एकलव्य ने सहर्ष अपना अंगूठा दे दिया। इस प्रकार एकलव्य अपने हाथ से धनुष चलाने में असमर्थ हो गया, तो अपने पैरों से धनुष चलाने का अभ्यास करना आरम्भ कर दिया। धन्यवाद दोस्तों, आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।